इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से न्यूज 18 की टीम ने बात की, सुनिए। प्रदेश में तीसरे चरण का इलेक्शन चल रहा है। राजगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं, लगातार हर बूथ तक पहुंचने की आपकी कोशिश रही है, कैसा रुझान जनता के बीच है? अच्छा है, बहुत सकारात्मक है जी। सर, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो परिणाम है, लंबे अरसे बाद कांग्रेस के पक्ष में आएंगे राजगढ़ में, लगता है मुझे। सर, मोदी जी आए, वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस का एक्सरे करा, वो एक धर्म विशेष को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं, जैसे कर्नाटक में दे दिया। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में कोई नहीं बोलता होगा। सर, बहुत सारी गारंटियों की बात उन्होंने की, लेकिन आपने सामाजिक न्याय की बात की, युवाओं को रोजगार की बात की, महिलाओं को न्याय की, सशक्तिकरण की बात की, ये मैसेज पब्लिक तक डिलीवर हुआ है? सर, निश्चित हुआ है, लेकिन मोदी जी की कौन सी गारंटी आज तक पूरी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो सर, इस बार ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में इंडिया जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया, एक तरीके का ऐसा प्रयास रहा जो इससे पहले नहीं देखने को मिला इतने बड़े पैमाने पे, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सर उसके निश्चित आएंगे। ठीक, दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया है कि अच्छे रिजल्ट्स, बेहतर परिणाम जो है वो आने वाले समय में आएंगे, और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटियों पर अब जनता को भरोसा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, डोर टू डोर प्रचार भी किया है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हालांकि नतीजे हर कोई अपने अपने पक्ष में होने का दावा भी कर रहा है। ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस साहू भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हर तस्वीर, हर हलचल आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।